भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवाधिदेव, अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो गया। नारायण नारायण महादेव। परम देव श्री महागणेश के एक ही प्रहार से तारकासुर प्राणहीन होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। ब्रह्म वाक्य मिथ्या होने की संसार में ये पहली घटना है महादेव। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा वो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा, किंतु किंतु क्या बोले नाथ? देवों के ऋषि नारद को इतनी अधिक अधीरता शोभा नहीं देती। क्षमा भोले नाथ। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा उसका प्रथम भाग सत्य है, किंतु अंतिम भाग मिथ्या है। नारायण नारायण। अर्थात महादेव, मैं अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करने वाले परम देव श्री महागणेश का क्रोध तो आज निश्चित ही तारकासुर के अंत का कारण बन जाता, किंतु परम देव ने ब्रह्म वाक्य की रक्षा कर ली। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में ब्रह्म वाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, मैंने स्वयं अपनी नारद आंखों का देखा और कानों का सुना भी सदा सत्य नहीं होता। किंतु भोलेनाथ, हमें ज्ञात है नारद कि तुम ये कहने के इच्छुक हो कि श्री महागणेश भी तो भविष्य के शिव पुत्र ही है। नारायण नारायण। परंतु परम देव श्री महागणेश जब तक अवतार धारण नहीं करते तब तक वे वरदान के मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अर्थात तारकासुर जीवित है, अब वो पुनः समुद्र तल से निकलकर उत्पात मचाएगा और अपने अत्याचारों से देवताओं और मानवों को पीड़ित करेगा। जिज्ञासु नारद, इस घटना के पश्चात तारकासुर कोई भी बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रभु, यदि तारकासुर दुस्साहस नहीं करेगा तो उसका वध कैसे होगा? सत्कर्म करने वाले को निकृष्ट मृत्यु प्राप्त नहीं होती, किंतु तारकासुर सत्कर्मी नहीं दुष्कर्मी है और अपने दुष्कर्मों के कारण ही स्वयं अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। पात्र तारकासुर। परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। क्या आपके महागणेश ने मेरे पौत्र तारकासुर के लिए अशुभ भविष्यवाणी की थी? बताएं ऋषिवर, मेरे पौत्र तारकासुर को क्या हुआ है? बताएं। दीदी, परम देव श्री महागणेश ने शिवपुत्र होने का संकेत तो दिया था, परंतु यह वरदान स्वयं तारकासुर ने ब्रह्मदेव से मांगा था। मैं आपसे भविष्यवाणी के विषय में पूछ रही हूँ, बताए ऋषिवर। उस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु ये अवश्य कह सकता हूँ कि अवश्य तारकासुर ने कोई दुष्कर्म किया होगा। ऋषिवर, क्या तारकासुर केवल केवल मेरा ही पौत्र है? उसका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं? यही तो मेरा दुर्भाग्य है दीदी, कि मैं दैत्यों का पिता और पितामह होने के लिए अभिशप्त हूं। इसी कलंक को मिटाने के लिए मैं मंगलकर्ता महागणेश की पूजा आराधना किया करता हूं। दैत्य माता दीदी, मेरे रोकने पर भी तारकासुर ने कृतिकाओं के दिव्य नक्षत्र लोक में जाकर शिव पुत्र को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की, परंतु श्री महागणेश के प्रहार से आहत होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। दैत्य गुरु, कहीं मेरा
तारकासुर। हम आपसे यही कहने आए हैं दैत्य माता कि तारकासुर अभी जीवित है, मरा नहीं है। परम देव श्री महागणेश के क्रोध ने तो ब्रह्म वाक्य को असत्य सिद्ध कर दिया होता, किंतु अंत समय में उसकी पत्नी पतिव्रता देवी शाम्बुकी के रक्षा कवच ने परम देव श्री महागणेश के क्रोध से तारकासुर की रक्षा कर ली। पौत्र वधु शाम्बुकी, मुझे तुम्हारी निष्ठा से एक पतिव्रत धर्म के पालन पर गर्व है। तुम निश्चित ही दैत्यों के पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। मेरी ही भांति तुम्हारा नाम भी दैत्य जाति में सदा अमर रहेगा। दैत्य गुरु, तारकासुर को अपनी मंत्र शक्ति से निकालो। ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें तो तारकासुर के पिता में होने का भी पश्चाताप है। कुछ करें दैत्य गुरु, कुछ करें। हम वही करने जा रहे हैं दैत्य माता, किंतु 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 क्या दैत्य गुरु? यदि इस घटना के पश्चात तारकासुर ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो सर्वनाश से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता दीति के पौत्र महाबली असुर राज तारकासुर, जागो। ब्रह्म वाक्य ने श्री महागणेश के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर ली। अब मृतकों की भांति पड़े ना रहो। जागो तारकासुर, तुम दैत्य जाति का गौरव हो। जागो तारकासुर और स्वर्ग की ओर पुनः प्रस्थान करो। तुम दैत्य जाति का गौरव हो। इस प्रकार अचेत पड़े रहकर दैत्य जाति को लज्जित ना करो। जागो तारकासुर, जागो। महाबली तारकासुर, तुम्हारी परम शक्ति के सम्मुख पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश अपनी गर्जना बंद कर देते हैं। तारकासुर, तुम सर्वनाश के घूमते हुए चक्रवात हो, किंतु आज इस प्रकार अचेत क्यों पड़े हो? जागो, जागो तारकासुर, जागो। नमः शिवाय। हट का परिणाम देख लिया तुमने महाबली तारकासुर, अब शिव पुत्र को मारने का विचार सदा सदा के लिए त्याग दो, अन्यथा तुम स्वर्ग लोक से ही नहीं जीवन से भी वंचित रह जाओगे। क्या मैं स्वयं को मारने वाले का विरोध ना करूं? ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप शुक्राचार्य, कैसी शिक्षा? ये शिक्षा नहीं है तारकासुर, ये तो सृष्टि का अटल नियम है। जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, तब उनका अंत अधर्मी और अत्याचारी के साथ ही होता है। स्वयंभू, यदि मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ पृथ्वीवासियों को मार देता हूँ, दुष्ट देवताओं को पीड़ित करता हूँ, तो आप इसे अधर्म और अत्याचार की संज्ञा क्यों देते हैं दैत्य गुरु? क्यों? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी और के जीवन को कष्ट में डालना, यह अधर्म और अत्याचार ही माना जाएगा तारकासुर। किंतु यह समय तर्क वितर्क का नहीं है, अपितु बीती हुई घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करने का है। अर्थात यदि इस घटना के पश्चात तुम जीवित रहने के इच्छुक हो, तो असुरों के आराध्य देव भगवान शिव की शरण में जाकर अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। उनकी आज्ञा
और उन्हीं के दिखाए पथ का अनुसरण करो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। क्षमा मांगना हम असुरों का स्वभाव नहीं, हमें तो संस्कार में प्रतिशोध, रक्तपात, युद्ध की शिक्षा दी जाती है। आप स्वयं तारकासुर से शिव आराधना की अपेक्षा ना करें। तारकासुर, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का यही एकमात्र उपाय है। हर उपाय महाबली बहुबली स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के भुजाओं में सुरक्षित है। शुक्राचार्य, जिसका पुत्र मुझे मारने के लिए जन्म ले चुका हूं, मैं उसके शरण में जाना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति के पश्चात तुम करोगे भी क्या? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने विस्फोटक शक्ति से असुर जाति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दूंगा और शिवपुत्र को समाप्त कर दूंगा। गणेश ने भले ही ब्रह्म वाक्य की रक्षा की हो, किंतु अब मैं स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर और शिवपुत्र को समाप्त करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। हाँ शुक्राचार्य, मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है उन्हें तारकासुर तो क्या कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तारकासुर ने भले ही शिव पुत्र का वध करके ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध करने का निश्चय कर लिया हो, किंतु विधि के विधान में क्या लिखा है इसका ज्ञान तो केवल श्री महागणेश को ही है। श्री महागणेश तो कारणों के भी कारण है, उनकी इच्छा के कारण ही माता पार्वती को पुत्र रूप में उन्हें पाने से वंचित रहना पड़ा। इसी कारण माता पार्वती के लिए अब और प्रतीक्षा करना असंभव हो गया है। अब ये प्रतीक्षा असहनीय हो चली है महागणेश। तुम्हारा बार बार आश्वासन पाकर भी मेरा धैर्य अब समाप्त होता जा रहा है। मैं एकांत में बैठी केवल तुम्हारा ही चिंतन करती रहती हूँ। क्या तुम्हें अपनी माता के हृदय की वेदना का आभास नहीं होता महागणेश? तुम तो अंतर्यामी हो, परात पर ब्रह्म हो, सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नहर्ता हो, फिर मेरे जीवन के विघ्नों का अंत क्यों नहीं करते? तुम तो विश्व को वरदान देने वाले हो महागणेश, हर एक को प्रेम करने वाले परम देव श्री महागणेश, अपनी माता से ऐसा दुराव क्यों? क्या तुम अपनी माता के लिए निष्ठुर हो गए हो? तुम अपनी माता की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो महागणेश? ये प्रश्न तुमसे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती नहीं अपितु भविष्य में तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता पूछ रही है। मुझे उत्तर दो श्री महागणेश, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। तुम्हारी मातृ भावना को हम प्रणाम करते हैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। इसी कारण तुम्हारे भक्त तुम्हें जगत की माता जगदम्बा कहते हैं। सत्य ही तुम्हारे भीतर का प्रेम जगत की माता के योग्य है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आप तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं, क्या आप मेरी अतृप्त मातृ भावना को पूर्ण नहीं कर सकते? देवी पार्वती, जब परमदेव श्री महागणेश स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दे चुके हैं, तब किसी और को कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? स्वामी, दिव्य अवतार धारण करने के पश्चात महागणेश के पिता तो आप ही होंगे। हे विश्वनाथ, हे जगत पिता, मुझे पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या आप महागणेश को शीघ्र ही मेरे पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप मुझे इसी प्रकार व्याकुल देखने के ही इच्छुक हैं? नहीं देवी पार्वती, तुम तो शक्ति स्वरूपा पारंभिका हो। तुम्हारी सत रज तम से निर्मित त्रिगुणी शक्ति का अनुमान तो हम त्रिदेव भी नहीं लगा सकते।
इस सत्य को समझने का प्रयास करो शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, कि शक्ति को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। हमें ये कहते हुए संकोच हो रहा है, किंतु यह परम सत्य है। प्रायः हम स्वयं तुम्हें इस प्रकार उद्विग्न देखकर व्यग्र हो जाते हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, मेरे कारण आपको व्यग्र होना पड़ता है। हाँ देवी पार्वती, ये परम सत्य है, किंतु किंतु क्या स्वामी? किंतु हम माता और पुत्र के संबंधों के बीच आने के इच्छुक नहीं हैं, इसी कारण व्यग्र होकर भी हम शांत रहते हैं। किंतु पुत्र ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया है स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि पुत्राकांक्षा के वश होकर तुम इतना अधिक उद्विग्न ना होती तो जान जाती कि शिव पुत्र ने जन्म ले लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम अक्षरशय सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, परंतु हमारा पुत्र माता पिता के स्नेह से वंचित रहकर अपनी 6 अन्य स्नेहमयी माताओं की स्नेह छाया में पल रहा है। ये कैसे संभव है स्वामी, पुत्र का जन्म हो और माता को पता भी न चले? देवी पार्वती, ये समस्त जगत जगत माता के रूप में तुम्हारी आराधना करता है। तुम जगदम्बा के नाम से संबोधित की जाती हो। क्या तुमने समस्त जगत वासियों को अपने गर्भ से जन्म दिया है? अर्थात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता और पुत्र का संबंध देह से परे आत्मिक भी तो हो सकता है। स्वामी, हर जीवात्मा से मेरा आत्मिक संबंध ही तो है। हाँ देवी पार्वती, जिस शिव पुत्र ने जन्म ले लिया है वो तुम्हारी स्नेह छाया से वंचित है। वास्तव में उसका जन्म तुम्हारी स्नेह कामना का स्पर्श पाकर हमारे तेज से प्रकट हुआ है। स्वामी, इस समय मेरा मन रहस्य और पहेलियों की भाषा सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिव पुत्र का उल्लेख सुनने के पश्चात मेरे मन के भीतर उत्साह का सागर उमड़ रहा है। देवी पार्वती, यदि तुम शिव पुत्र को माता का पूर्ण स्नेह प्रदान करोगी तो श्री महागणेश के दिव्य अवतार की माता बनने का श्रेय शीघ्र ही प्राप्त होगा। स्वामी, शिव पुत्र को पाने के लिए मुझे किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। परमदेव श्री महागणेश जैसे दिव्य अवतार की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये अटल सत्य है। किंतु इस समय मुझे आपकी कृपा से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं और वंचित रहना नहीं चाहती। बताएं स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी पार्वती, आज तुम्हारे सम्मुख हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने आए हैं। स्वामी, इस समय मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए आतुर हो रहा है, कृपया उसे आप मुझे सौंप दें। स्वामी, ये रहस्य आपने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? किंतु इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी स्वामी, संभवतः मेरा ही भाग्य इसके लिए दोषी था। नहीं नहीं देवी पार्वती, यदि आप स्वयं को दोषी ठहराने लगी तो इस संसार में निर्दोष कौन रह जाएगा? आप विचलित न होकर इसे श्री महागणेश की लीला मान लें। माता पिता की स्नेह छाया से दूर शिव पुत्र का पलना निसंदेह परम देव श्री महागणेश की लीला ही थी। उनकी कृपा से आज मुझे शिव पुत्र का संकेत प्राप्त हुआ है। अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इच्छा संसार में हर एक को उनकी इच्छा आदेश की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। नहीं स्वामी, शिव पुत्र का संकेत पाने के पश्चात मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं मातृशक्ति होने के कारण इस प्रतीक्षा के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश को आदेश दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती, हम इसी समय नंदी आदि शिवगणों को भेजकर शिव पुत्र को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक से कैलाश आने के लिए आमंत्रित करेंगे।